अब फालतू फंड की हेट रहेगी तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, मैं तो इसीलिए तो मैं इस ट्विटर स्पेस पे अब भी आया हूं। दी करने लग रहे हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर, पड़े रह जाएंगे ये। तो दोस्तों अब वो चीज हो रही है जिसकी किसी ने भी उम्मीदें नहीं लगाई थी, और ये चीज करवाने के लिए बिग बॉस कब से इंतजार कर रहा था। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिग बॉस के अंदर काफी ज्यादा कोशिश की गई है एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान कराने की, तो ये चीज बिग बॉस के अंदर तो पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन दोस्तों ये चीज बाहर कहीं ना कहीं पॉसिबल होती दिख रही है। पांडा गैंग वर्सेज एल्विश आर्मी हो गया है, तो क्या सच में अब ये दोनों वर्सेज में उतर आए? मीन्स पांडा गैंग और एल्विश आर्मी एक दूसरे के खिलाफ में हो गए? क्या है पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडी शिवा। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा, एल्विश के कुछ छोटे मोटे हेटर्स हैं, कुछ बदतमीज हेटर्स हैं जो कि बदतमीज वाली हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने एल्विश यादव के जो पोस्टर्स लगाए गए हैं बिग बॉस वाले, उसमें से एल्विश की फोटो को फाड़ दिया। उसे लेकर एल्विश के टीम मेंबर्स ने क्या बोला वो वीडियो क्लिप में ज्वाइन कर रहा हूं, उसे देख लीजिएगा। ये तो भाई किसी हेटर के काम है। हाँ हेटर तो क्या भाई, ये सब चीजें तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है यार, इतनी हेट थोड़ी ना है। किस बात की हेट है? अरे इतनी नजर पड़ी ना मेरे दिमाग में, तो आती नहीं कि ये सब चीजें भी पड़ेंगे क्या? हद होगी यार। अपना पोस्टर नहीं 50-58 गाड़ी में हमने सुल्लू भाई की लगवाई नहीं फोटो, टारगेट ये रहेगा मैं खाली गाड़ी वाली फाड़ेंगे कभी भाई। मेरे को यही लग रहा है कि कल को अगर फाड़ेंगे तो भाई गाड़ी पे भी हमला शुरू है। पर भाई अब ज्यादा से ज्यादा ये लगवाओ, फुल सपोर्ट दिखाओ भाई। करना कितने फाड़ेंगे? 200-1000 लगवा लेंगे, 1000 लाख लगवा लेंगे। अब बात करते हैं जो पांडा गैंग वर्सेस एल्विश यादव की आर्मी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो दोस्तों फुकरा इंसान के जो भाई हैं ट्रिगर्ड इंसान, उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया था जो कि कटारिया को बहुत ही ज्यादा खराब लग गया था, पूरी की पूरी एल्विश आर्मी को बहुत ज्यादा खराब लग गया था। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था कि मेरे पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मैं चाहूंगा कभी भी शॉर्ट आउट करके अपने भाई के लिए मैं प्रमोट कर सकता हूं अपने भाई को, मीन्स उसे बहुत ज्यादा वोटिंग दिला सकता हूं। तो ये चीज कटारिया को बहुत ही ज्यादा खराब लग गई थी, और कटारिया ने इसका रिप्लाई भी दिया था, वो वीडियो क्लिप में ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है वो बताता हूँ। गुड मॉर्निंग। कई बार फालतू के चोरी करने लग रहे हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर पड़े रह जाएंगे ये। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देख लिया होगा, लेकिन एट लास्ट जो क्या हुआ है कि जो एल्विश आर्मी है और जो पांडा गैंग आर्मी है उनके भी सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों लोगों ने मिलकर आपस में बातें की है और चीजों को शॉर्ट आउट किया है। लोगों ने ऐसा कहा है कि जब एल्विश यादव बिग बॉस के बाहर था तो फुल सपोर्ट फुकरा इंसान चिल्ला रहा था, तो वैसे ही चीजें खराब ना हो, चीजें नॉर्मली चलती रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर आखिर में जो सब कुछ सही हुआ है उसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। ट्रिगर्ड इंसान ने एल्विश की आर्मी को जवाब दिया है, उन्हें रिप्लाई दिया है कि एक्चुअल में उनसे छोटी सी गलती हुई थी, और उन्होंने उन लोगों ने भी इन्हें कुछ समझाया है ट्रिगर्ड इंसान को, वो वीडियो क्लिप भी मैं ज्वाइन कर रहा हूं, उसे भी देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा तुमसे एक सवाल है कि तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम एल्विश की आर्मी की तरफ हो या फिर पांडा गैंग की आर्मी की तरफ? लेकिन मैं वर्सेस कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा तो यही मानना है यूट्यूब कम्युनिटी का कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करो। दोस्तों सब लोग अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें फुकरा इंसान पसंद है वो फुकरा को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें सिस्टम पसंद है वो एल्विश भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। फालतू फंड की हेट रहेगी तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, मैं तो इसीलिए तो मैं इस ट्विटर स्पेस पे अब भी आया। मैंने कहा भाई खत्म करो ना ये सारी फालतू की, क्यों लाइक इधर से भी चीजें आ रही हैं उधर से भी आ रही हैं। नहीं नहीं भाई, इसको एंड करते हैं भाई। टीम एल्विश की तरफ से तो कोई भी हेट नहीं है अब ना सब भाई, टीम अभिषेक की तरफ से भी कोई हेट नहीं आएगी अब। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैंने पहले भी कल भी मैंने उस वैसे ट्विटर स्पेस पे यही बोला था लोगों को कि भाई किसी को हेट मत देना, क्योंकि तुम लोग प्यार से खेलते आए हो, अभी तक प्यार से रह रहे हो, वैसे ही रहना। लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना, कुछ छोटी छोटी बातों को कोई एक आध बंदा कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाता है, उससे फिर बात बड़ी हो जाती है। टिगर्ड भाई, एक अब हम लोग बैठे हैं, हम लोग भाई आपस में क्लियर कर लेते हैं ना। एक सेकंड। बिल्कुल भाई, एक चीज बस याद रखना भाई, जब एल्विश भाई बाहर था तो फुल सपोर्ट फुकरा इंसान को था, फुल सपोर्ट। जी भाई, भाई ने क्लियर बोला था अभी 10 मिनट पहले कि उसको कोई क्लाउड की जरूरत नहीं थी, कि उसको टॉपिक चाहिए को सपोर्ट करने का। तो आप उसके भाई हो तो आप इस चीज को एकदम ध्यान में रखना कि भाई जब भाई मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे पता ये बात बोली थी कि अगर फुकरा उसमें शो में नहीं होता तो दिल से एल्विश को ही वोट करता मैं भाई, क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं बोल दी थी ये चीज, मतलब आई एक्चुअली मेंट इट, बिकॉज यार हमारी कम्युनिटी का एक ऊपर से यार अभिषेक के साथ एल्विश की ऑलरेडी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो साथ में वीडियोस वगैरह बना चुके हैं। अभिषेक ने मेरे को खुद बोला था, मैंने जब उससे पूछा था कि एल्विश कैसा बंदा है, कह रहा बहुत चिल है बहुत मजेदार है। भाई वो बंदा अगर उसके लिए अच्छी बात बोल रहा है ना पीठ के पीछे, सबसे बड़ी बात, ऐसा मुंह के सामने लोग तारीफ कर देते हैं लेकिन पीठ के पीछे भी उसकी तारीफ कर रहा था ना, तो फिर मैं भी माना कि भाई हाँ मतलब बंदा अच्छा होगा, तभी भाई पीठ के पीछे कोई ऐसे ही तारीफ नहीं करेगा।
तो आई एक्चुअली मेंट इट, एंड बस ये सब जो हो रहा है ना अभी रिसेंट देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मैं, मतलब बहुत ज्यादा ही फालतू की वो चीजें होने लग गई हैं जो होनी ही नहीं चाहिए थी कभी। एक चीज निश्चय भाई, एक चीज बस बोलूंगा मैं, लास्ट बोलूंगा। हाँ जी भाई, अपना ब्रॉडकास्ट चैनल एक बार फुकरा इंसान का देखो। मैं भाई मेरे को ब्रॉडकास्ट क्या होता है आई स्वेयर मेरे को पता भी नहीं है ब्रॉडकास्ट चैनल क्या होता है। एक्सप्लेन फर्स्ट, जस्ट वन मिनट। मैं टेलीग्राम संभाल रहा हूँ एल्विश का, तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं मैं ही देता हूँ। आप एक बार फ्री टाइम निकाल के एक बार फुकरा इंसान का ब्रॉडकास्ट चैनल देखिए। आपके टीम ने जिनको भी दिया है ब्रॉडकास्ट चैनल हैंडल करने के लिए, उन्होंने क्लियरली ऑफिशियल हैंडल पे, आप इस चीज को समझिए निश्चय भाई, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, ऑफिशियल चैनल पे सिस्टम गैंग को उकसाया है, मतलब ऐसे ट्रोल किया है कि जीते इनकी हवा टाइट हो गई ऐसे वैसे। अब इस चीज को निश्चय भाई आप समझिए, आप नहीं है इस चीज में, लेकिन आपकी या फुकरा भाई की किसी भी टीम ने ही ना ऑफिशियली किसी को असाइन किया होगा वहां पे मैसेज डालने के लिए। कोई तो ऐसा कोई भी नहीं डाल सकता है। अगर मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ डालता हूँ कि पांडा गैंग के अगेंस्ट पांडा गैंग की हवा निकल गई या कुछ निकल गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्विश की बनती है, ना ही अभी। देखो यार, मैं इस बात का भी एक रिप्लाई दूंगा, बट फिर वही ना, बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। देखो सबसे ज्यादा, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुई थी ना, वो स्टार्ट हुई थी जब अभिषेक को दोगला इंसान बोलना शुरू किया गया था, वो वहां से उसके बाद स्टार्ट हुई थी। एंड मुझे नहीं पता यार, देखो अब किसके द्वारा, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता। आपको बोल रहा हूं निश्चय भाई, एक सेकंड, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। तो दोस्तों तुम किसे सपोर्ट करो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और आज वीकेंड का वार होने वाला है जिसमें कि बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो गई है अविनाश की और एल्विश यादव की, जिसमें एल्विश यादव ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर दिया है। तो आज वीकेंड के वार में क्या होगा इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, कल संडे है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नाम याद रखिए ट्रेंडी शिवा।